Okay, before moving towards file system, let's quickly discuss about files and directories. What is a file? File is an array of bytes. Which has some properties or you can say attributes. That could be its size. Maybe its timestamp. Last modification time. Its permissions. Extension type mp4 txt .c .c++. Other than that, we can also perform some operations on it. That could be read and write operations. We can create file, edit file and delete file. Similarly, we have directories. By directory means कि जब हम files create करते हैं तो वो किसी folder के अंदर पड़ी होती हैं, maybe desktop पे किसी folder के अंदर पड़ी हैं, या C drive में जाके किसी folder के अंदर पड़ी हैं. So what is a directory? Directory is also a file, but a special type of file. Again, it's array of bytes. Again, it might have some of these properties and some permissions. Other than that, one additional thing that directory maintains कि इसके अंदर files कौन-कौन सी पड़ी हैं। कि for example, desktop पे एक folder पड़ा हुआ है my files के नाम से, उसके अंदर multiple files पड़ी हैं। File 1, file 2, file 3.txt, multiple files पड़ी हैं। तो डायरेक्टरीज फाइल्स का रिकॉर्ड भी साथ मेंटेन कर रही है. हार्ड डिस्क में फाइल्स और डायरेक्टरीज दोनों ट्री स्ट्रक्चर में पड़ी होती हैं अंडर अ रूट. रूट क्या है? रूट इज अ स्पेशल फाइल दैट मे बी इन केस ऑफ मे बी यूनिक्स दैट कुड बी स्लैश और इन केस ऑफ विंडोज इट कुड बी सी डायरेक्टरी. दिस इज द रूट नोड. इसके अंडर फर्दर हमारी जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज है वो इसके अंडर पड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल सी यूजर्स करंट यूजर्स डेस्कटॉप एंड माई फाइल्स फोल्डर. इसके अंदर हमारी ये वाली फाइल्स पड़ी हुई है. अब जब किसी फाइल को एक्सेस करेंगे तो उसका पैटर्न क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा फाइल सिस्टम जाएगा सी ड्राइव पे. सी ड्राइव पे जाके उसके पास जितने फोल्डर हैं उनको जाके सर्च करेगा कि यूजर्स वाला उनमें से फोल्डर कौन सा है. मे बी यहाँ पे सिस्टम का फोल्डर भी पड़ा हो, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर भी पड़ा हो, यहाँ पे यूजर्स का फोल्डर भी पड़ा हुआ है. उससे जाके नंबर वन पे सर्च किया है कि यूजर्स का फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. जब इसको ये वाला फोल्डर मिल जाता है उसके बाद वो फर्दर इसके चाइल्ड्स पे जाके सर्च करेगा. इसके चाइल्ड पे जाके उसको कंप्यूटर वाला फोल्डर मिलता है. उसके बाद उसके चाइल्ड्स पे जाके वो सर्च करेगा डेस्कटॉप वाला फोल्डर. डेस्कटॉप के जितने भी चाइल्ड्स हैं वो फाइल्स भी हो सकती है डायरेक्टरीज भी हो सकती है. उनके अंदर जाके वो सर्च करेगा माई फाइल्स वाला फोल्डर जो हमारा बनाया हुआ फोल्डर था. और इसके अंदर जाके जो भी हमारी फाइल थी दैट कुड बी .txt उसको जाके ओपन करेगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा जो भी हम फाइल को एक्सेस करेंगे. तो जब भी हम किसी फाइल को एक्सेस करेंगे वो फाइल ये पूरा पैटर्न फॉलो करके उस फाइल तक हमारी एक्सेस आएगी, हमें एक्सेस मिलेगी. और इस पूरे प्रोसेस को के रूट डायरेक्टरी से एक्चुअल पाथ पे जाने को कहते हैं पाथ ट्रेवर्सल. पाथ पे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के हैं. वन इज एब्सोल्यूट पाथ जो कि हमने ये मेंशन किया स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डायरेक्टरी के सी सी के अंदर यूजर्स उसके अंदर कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड माय फाइल्स और उसके अंदर हमारी फाइल का नाम. एंड सेकेंड इज रिलेटिव पाथ. रिलेटिव पाथ में हम क्या करते हैं कि हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं. इस केस में एब्सोल्यूट के केस में हमने फाइल क्रिएट की थी. फॉर एग्जांपल क्रिएट में हमने पूरा पाथ दिया था. जब हम रिलेटिव के केस में करेंगे तो हम सिंपल फाइल अपनी का नाम देंगे क्रिएट करने के लिए.
तो सिस्टम क्या करता है, वो रिलेटिव पाथ उठाता है। रिलेटिव पाथ मीन्स के जहां पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या करंट जिस लोकेशन पे ये वाली कॉल भेजी गई है वो उसी पाथ को गेट करेगा और उसी पे ये वाला रन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये वाला कोड या फाइल पड़ी हुई थी इस फोल्डर के अंदर, माई फाइल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे फाइल नहीं क्रिएट करते वक्त हमने कोई पाथ नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, जो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन तक का पाथ है उसको रीड करेगा और उसमें ये वाली फाइल अपेंड कर देगा। तो हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि एक एब्सोल्यूट पाथ ये कि हम कंप्लीट पाथ दें, सेकंड इज रिलेटिव पाथ हम उसको मेंशन करें। एक और ऑप्शन यूनिक्स की अगर बात करें तो हमारे पास डॉट डॉट स्लैश से हम रूट को एक्सेस कर सकते हैं या डॉट स्लैश से हम एक स्टेप बैक जा सकते हैं। क्विकली हम कोड में देखते हैं कि किस तरह हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टरी से किस तरह प्ले कर सकते हैं। एक सिंपल सा सी का प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम सिंपल एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले सैंपल स्ट्रक्चर इसका क्रिएट करते हैं सी के प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, रिटर्न 0, साथ प्रिंट कर देते हैं कि प्रोग्राम स्टार्टेड एंड प्रोग्राम फिनिश्ड। प्रिंट एफ, प्रोग्राम स्टार्टेड, एंड प्रोग्राम फिनिश्ड। उसके बाद इसको रन करते हैं। सॉरी stdio.h। तो हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हमने फाइल क्रिएट करने का कोड लिखने है, उसके लिए लाइब्रेरी ऐड करते हैं, दैट इज हैश इंक्लूड stat.h। उसके बाद यहाँ पे आके हम अपना फाइल क्रिएट करने का कोड या फंक्शन लिखते हैं, दैट इज cret, ई नहीं एंड पे। उसके बाद ब्रैकेट्स डाली हैं, उसने कहा है कि एक उसको फाइल का नाम चाहिए और दूसरा उसको परमिशंस चाहिए इस फाइल्स को, क्या परमिशंस होंगी, रीडिंग की है, राइटिंग की है, कौन सी परमिशंस इसको अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम फाइल का नाम रख लेते हैं, कोई टेस्ट फाइल testfile.txt कर देते हैं, फाइल का नाम कोई भी नाम हो सकता है, कॉमा। अब साथ हमने परमिशंस देनी है, परमिशंस कौन सी देनी है, रैंडमली हम कोई भी एक परमिशन सेलेक्ट करके इसको दे देते हैं। कौन कौन सी परमिशंस अवेलेबल होती हैं, रीड की, राइट की, रीड एंड राइट की, एडमिन परमिशंस, मल्टीपल टाइप की परमिशंस अवेलेबल हैं। मैंने रैंडमली एक परमिशन सेलेक्ट कर लिया एंड लेट्स सी के हमारे पास, इसको सेव करते हैं कोड को, कोड है हमारा इस फोल्डर के अंदर फाइल 1.c के अंदर, लेट्स रन इट एंड सी व्हाट हैपेंड। हमने रन किया, प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम फिनिश्ड, और फोल्डर में जाके देखते हैं हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है। इसी तरह अब हम इस फाइल में, अच्छा ये हमने भी की है रिलेटिव पाथ के साथ, हमने पेरेंट डायरेक्टरी का कोई पाथ नहीं था दिया, उसने ऑटोमेटिकली जिस लोकेशन पे फाइल वन पड़ी थी वहाँ पे जाके उसने ये क्रिएट कर दिया। अब हम एब्सोल्यूट पाथ के साथ देखते हैं, एब्सोल्यूट पाथ के लिए हम ये फाइल टू की लोकेशन देते हैं, दैट इज एम्प्टी फोल्डर, इसका पाथ हम ला के यहाँ पे देते हैं, इसको टेस्ट फाइल टू का नाम दे लेते हैं। प्रोग्राम को रन किया और फोल्डर टू में भी हमारे पास एक फाइल बन गई है। उसके बाद इस फाइल पे कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं, कुछ राइटिंग करके देखते हैं। फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है, इस लाइन को माइनस करते हैं। अब हमने फाइल को ओपन करना है, उसके लिए एक फाइल का डिस्क्रिप्टर डिफाइन करते हैं, ft इज इक्वल टू, आगे फाइल को ओपन करते हैं, आगे उसने फिर क्या है कि फाइल नेम एंड
उसकी परमिशंस या कोई फ्लैग। फाइल का नेम हम ये वाला दे देते हैं, फाइल टू वाला एब्सोल्यूट पाथ, और साथ हमने कोई परमिशंस इसको असाइन करनी है, दैट कुड बी रीड ओनली परमिशन। इट इज गिविंग एस एरर, तो मेरे ख्याल से इसकी हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं। ये कुछ और हेडर फाइल्स मैंने ऐड कर दी हैं रिसेंटली, अभी इसमें से सिर्फ इसका यूजेज है, तो लेट्स सी ये रन होता है कि नहीं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे उसका डिस्क्रिप्टर एंड पे हमने उसको क्लोज भी लाजमी करना है, क्लोज। अब उसने पूछा फाइल हैंडलर कौन सा था, दैट इज एफ डी। अभी तक हमने क्या किया था, एक सिंपल फाइल को ओपन किया विद रीड ओनली परमिशन और उसके बाद उसको हमने क्लोज किया, अभी तक उस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया और इनिशियली हमारी फाइल भी एम्प्टी थी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं कि जो हमारा यू कैन से कर्सर है या ऑफसेट इस टाइम क्या एंटर हुआ हुआ है। बाय ऑफसेट मीन्स कि करंट कर्सर की लोकेशन क्या है। अब हमने करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारी एम्प्टी फाइल थी, अगर हमारी फाइल में डाटा होता तो हमने क्या करना था कि उसका डाटा फाइंड करना था, लास्ट कहाँ तक डाटा पड़ा हुआ है, और उसके बाद उसमें जाके हमने राइटिंग करनी थी। तो फर्दर ये कुछ कोड कॉपी किया, दैट इज़ जिसमें सबसे पहले सीक हो रहा है, सीक में क्या हो रहा है, एफ डी फाइल डिस्क्रिप्टर को उसने जाके फर्स्ट पैरामीटर लिया, उसमें से सीक किया स्टार्टिंग पोजिशन ज़ीरो से लेकर एंड तक उसने सर्च किया कि करंट लोकेशन उसकी क्या है, उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया उसकी लोकेशन को। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हमने एक बफर बना के उसमें हमने राइट किया उस फाइल के अंदर। राइट क्या किया हमने, ये जो बफर को साइन किया था, बफर पे हमने बी साइन किया हुआ है। लेट्स रन इट एंड सी फाइल के साथ क्या होता है। इनिशियली हमारी फाइल एम्प्टी है, कोड को हम रन करते हैं, दोबारा इस फाइल को देखते हैं जाके, फाइल पे जाके राइटिंग हो गई है एक, फिर इसको रन करते हैं, फिर रन करते हैं, एज वी हैव सीन कि हमने एक सैंपल कोड जिसमें हमने पहले सिंपल फाइल बनाई थी, उसके बाद हमने रीड ओनली परमिशन में जाके सी में जाके उसके फाइल डिस्क्रिप्टर में जाके उसकी लोकेशन फाइंड की और उसने बफर के थ्रू कुछ उसमें राइटिंग कर दी है। इसी तरह नाउ योर टास्क इज के राइट अ सी प्रोग्राम, जो करे क्या कि जिस लोकेशन का आप उसको पाथ दें, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक का उसको पाथ देता हूँ डेस्कटॉप तक का, तो वो करेगा कि इस लोकेशन पे जाके जितनी भी डायरेक्टरीज और फाइल एग्जिस्ट करती हैं, एक तो उनका काउंट प्रिंट कर दे, सो योर असाइनमेंट इज़ कि आपने सी का प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी गिवन लोकेशन पे, हमने ये लोकेशन दी हुई है उस पे जाके फाइल्स को रीड करे एंड डायरेक्टरीज दोनों को, और टोटल काउंट प्रिंट कर दे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का, डायरेक्टरी के नेम्स प्रिंट कर दे और फाइल्स के नेम प्रिंट कर दे हमें कंसोल पे। थैंक यू।